मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक खबर। बुरहानपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से MDMM नामक प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त किया गया है। जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत 75 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। बताया जा रहा है पुलिस ने सूचना के आधार पर पातौंडा गांव के पास से आरोपियों को धर दबोचा है। आज जब हमको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कोई मादक पदार्थ का जो है वो बेचने के लिए लोग जो है वो पांडोना रोड के आसपास खड़े हैं, तो तत्काल उसमें टीम गठित करके और उनको पकड़ा गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक उनका नाम है मोहम्मद बिलाल, सुहेल कॉटनवाला, इमरान और वसीम, ऐसे 4 लोग हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है। उनके पोजेशन से लगभग 2.25 किलो के आसपास, मतलब 2 किलो 170-180 ग्राम के आसपास जो है वो मादक पदार्थ मिला है, और टेस्ट करने पे वो लगभग MDMM के की जानकारी मिली है। इसकी जो कीमत है वो अनुमानित 75 लाख से 1 करोड़ के आसपास के बीच में की होगी। वो जब्त करके अभी हम लोगों को गिरफ्तार करके आज लिखा पढ़ी कर कल कोर्ट में पेश करें।